देखिए दोस्तों, देवा थापा के भाई को अकेला देखकर ये तीनों पहलवान कितनी बेरहमी से मार रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब देवा थापा आकर इन तीनों को बुरी तरह से मारेगा। दोस्तों, ये तूफान सिंह पहलवान जल्लाद का लड़का देवा थापा पहलवान का धोखे से हाथ पकड़ लेता है और हाथ तोड़ने लगता है। दोस्तों, रेफरी के बचाने पर भी नहीं मानता, ही देखिए कितनी बेरहमी से हाथ तोड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि देवा थापा पहलवान जो नेपाल के रहने वाला है, बहुत ही ईमानदार पहलवान है और बहुत ही शानदार कुश्ती लड़ते हैं। देखिए आगे वीडियो में दोस्तों, कितनी बुरी तरह से देवा थापा इस पहलवान को मार रहा है, इस पहलवान को नचा दिया। ये काम ना करें पहलवान जी, इसको छुड़ाइए। देवा दे, देवा दे। नबी का नाम लेकर मैदान ला देते हैं, समझ में आया? अब क्या लेना, तुम्हारा भी नंबर आएगा। पीछे हट के बैठे हैं और हमारे जो पुलिस प्रशासन ने कहा है उसका आप लोग ध्यान जरूर दें कि व्यवस्था आपकी की है, व्यवस्था को भंग न करें, शांति से कुश्ती का आनंद लेंगे। श्री गंगानगर राजस्थान फांसी वाली गली चल्ला दवाला मोहल्ला गली नंबर 420 ठाकुर जल्लाद का लड़का है और इन्हीं के सवालों के जवाब में है बदन गठीला रंग हरो हिमालय पर्वत जैसा, यह है देवा थापा पहलवान नेपाल पट्टा ध्यान सिंह गेंडा पहलवान। कुश्ती का टाइम 20 मिनट। बहुत अच्छे अब्दुल। हेलो, यहाँ गीतरो वादा नहीं चलते, सिरो वादा चलते, सुना तूने? यही है नेपाल।
पहलवान जी बदतमीजी ना करें, तोलाखोरी ना करें। थोड़ा फिर नहीं, किसी से गलत बात ना बोले। बदतमीजी नहीं पहलवान, चीदारी दिखाओ, अपने उस्ताद का हुनर दिखाओ। ये नेपाल की धरती का हुआ आया हुआ पहलवान है, उसका सम्मान करो। पहलवान बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं पहलवान जी, नहीं ये नहीं। उस्ताद का हुनर दिखाओ। नहीं बदतमीजी नहीं पहलवान जी, बदतमीजी ना कर। पहलवान बदतमीजी की हथियार न कर, अगर मर्द का बच्चा है तो सीने पे मार कर। ये नेपाली पहलवान है, इसका नहीं नेस्ते नहीं करो पहलवान, नहीं नेस्ते नहीं करेगा पहलवान। लड़ाई झगड़ा नहीं, नेस्ते नहीं, अपने उस्ताद का हुनर दिखाओ, अपनी कला दिखाओ। जवाब नहीं, बहुत बढ़िया जवाब नहीं। ये नेपाल की धरती से आया हुआ पहलवान है, देवा थापा पहलवान, बहुत ही शानदार। बालों से नहीं, बिल्कुल हुनर दिखाओ, अपने उस्ताद का हुनर दिखाओ, कला दिखाओ। और पब्लिक से मेरा यह अनुरोध है कि दंगल पे कोई नहीं चढ़ेगा, किसी पहलवान के संग कोई बदतमीजी किसी तरीके की नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपना जिम्मेदार खुद होगा, ये ध्यान रखना। अगर किसी पहलवान से भी किसी पब्लिक वाले ने बदतमीजी करी तो वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। नहीं पहलवान बदतमीजी ना करें, पहलवान पहलवानी के तरीके से लड़े, कला के तरीके से लड़े। नहीं नेस्ती नहीं करे पहलवान, बोली तोड़ा फोड़ी ना करे गुरु जी, बदतमीजी नहीं। नहीं 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 वह है, क्या बात है, देवा थापा पहलवान है ये, नेपाल की शान, देवा थापा पहलवान। नहीं नहीं पैर आराम से मजा लो, नेस्ती नहीं किसी तरीके, क्या बात है, जवाब नहीं देवा थापा, तुम्हारा जवाब नहीं। जिस टाइम भी लगेगी हाई कोर्ट तक अपील नहीं होगी, ये नेपाली है देवा थापा पहलवान, नेपाल की शान ये है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कुछ नहीं है पहलवान, कुश्ती रोक कर दी जाएगी, कुश्ती बीच में दी जाएगी। हेलो जानते वालों, ईमानदार से बताओ कुश्ती हुई क्या, एक बार हाथ उठा के बताओ कुश्ती हुआ। देखो पहलवान जी, आप लोग पक्षपात कर रहे हो, यह कुश्ती नहीं हुआ, एक बार सुनो पूरा जनता बोले कुश्ती नहीं हुआ, ठीक है ना, यहाँ वापस आके लड़ लो कुश्ती, नहीं तो एक बार सुन ले, लड़ना है तो लड़ जा, नहीं तो किसी छिड़ाने का कपड़ा पहन के अपना राजस्थान भाग जा, ठीक है ना। आप बेईमानी करा रहे हो, राजस्थान की कुश्ती साफ हो गई और सारी